अस्सलाम वालेकुम जी, मैं हूँ डॉक्टर बुशरा मोहसिन राना। उम्मीद करती हूँ कि आप सब लोग खैरियत से होंगे। आज बहुत सारे दिनों बाद मुझे YouTube पे दोबारा वीडियो बनाने का मौका मिला है। इसकी कुछ फैमिली रीजंस भी थी और कुछ मेरे पर्सनल वजूहत भी थी, जिसकी वजह से मैं बहुत दिनों से वीडियो अपलोड नहीं कर पा रही थी। आज हम जिस टॉपिक पे बात करेंगे वो है जलन हसद। सम टाइम हम अनइंटेंशनली भी किसी से हसद कर रहे होते हैं और सम टाइम हम जानबूझकर भी किसी से हसद कर रहे होते हैं। जिस तरह जिस्म की बीमारियों का इलाज करना ज़रूरी है, इसी तरह हसद हमारी रूह की बीमारी है और इसका इलाज करना भी बहुत ज़रूरी है। सोचने की एक बात है कि आखिर हमें हसद होता क्यों है। वजह है कि हमें दूसरों से हसद होने लग जाता है जब कोई इंसान अपनी ज़िंदगी में थोड़ा सा भी खुश हो या आगे बढ़ रहा हो, तो बजाय इसके कि हम उसको मोटिवेट करें, हम उसको कहें कि आप बहुत अच्छा कर रहे हैं, हम ताक में बैठ जाते हैं कि कब ये इंसान गिरे और हम इसको कोई बात कहें। इवन लोग तो तरक्की भी हासिल कर लेते हैं, लेकिन उसके बावजूद जो है कुछ हासिदीन, कुछ ऐसे लोग जिनके दिलों में बोझ होता है, वो यही कहते रहते हैं कि इसको ये तरक्की जो है ये किस्मत से मिल गई है, इसकी किस्मत अच्छी थी, इसको लक इसकी बहुत चल गई और हमारी तो लक काम नहीं करती, या इसके माँ बाप बहुत अमीर थे या हमारे नहीं है। ये चीजें जो भी इसने हासिल की है वो इसको इसकी मेहनत से नहीं बल्कि इसकी किस्मत से मिल गई है। और जो आपका मुकद्दर होता है ये तो बरहक बात है कि कुछ चीजें अल्लाह ताला ने आपको देनी ही है, वो एक अल्लाह का निजाम है। लेकिन इसके अलावा बहुत सारी ऐसी चीजें होती हैं जो हमारे हाथ में होती हैं, जिन्हें हम अपनी आदत से कंट्रोल कर सकते हैं। लेकिन हम ऐसा करने के बजाय कि हम उन चीजों को अपनी जिंदगी में बेहतर करें या अल्लाह ताला ने उसके जो अल्टरनेटिव हमारी लाइफ में रखे हैं हम उनको अप्रिशिएट करें, हमें क्या अच्छा लगता है कि सिर्फ और सिर्फ दूसरों के सामने रोना धोना और मजलूमियत कार्ड को प्ले करना। और जो लोग ऊपर जा रहे हैं तो उनको बस हमारा काम ये है कि उनको रियलाइज करवाना है कि ये जो इतना कुछ आपको मिला है ये आपकी किस्मत की वजह से मिल गया, यानी कि उस इंसान में कोई खूबी नहीं है, बस उसकी किस्मत थी तो उसको मिल गया। यहाँ पर मैं सिर्फ एक बात कहना चाहूंगी कि वो जिसके नसीब अच्छे हैं, आखिर अल्लाह नसीब लिखने वाला है, अल्लाह ताला की ज़ात नसीबों को लिखती है, तो क्या आपके अल्लाह का निज़ाम इतना भी परफेक्ट नहीं है कि उसे मालूम नहीं है कि उसने किस इंसान को क्या चीज़ देनी है। अगर किसी इंसान को अल्लाह ताला ने इज्जत दी है, दौलत दी है या आपकी निस्बत कोई भी चीज़ उसको ज़्यादा दी है, तो बजाय इसके कि हम ये सोचें कि यार इस बंदे में कोई खसूसियत होगी जिसकी वजह से अल्लाह ताला इस पर ज़्यादा मेहरबान है, हम ये सोचने लग जाते हैं कि हमारे साथ क्यों बुरा हुआ, ऐसा क्या कर दिया था कि जी हमें ये चीजें नहीं मिली और उसको मिल रही हैं। जितना मेरा एक्सपीरियंस है मैंने इस बात से अंदाजा लगाया है कि हसद और जेलसी की मेन वजह होती है कंपैरिजन। जब भी हम अपनी जिंदगी का मजना दूसरे इंसान की जिंदगी से करते हैं, ये लगने लग जाता है कि यार इसको तो बहुत कुछ मिल गया लेकिन मुझे नहीं मिला। आज अपनी इस वीडियो के थ्रू मैं आप लोगों को ये कहना चाहती हूँ कि ब्राए मेहरबानी अपनी जिंदगी से ये कंपैरिजन की आदत को खत्म कर दें, क्योंकि अगर आप कंपैरिजन करते रहे तो यूं ही घुट घुट कर आपकी जिंदगी गुजरेगी और आप इसी तरह मिजरीज का शिकार रहेंगे। इसके बजाय आप में से हर इंसान जो कि इस टाइम मुझे सुन रहा है वो अपनी अपनी ब्लेसिंग्स को काउंट करें और जो चीजें नहीं मिली उसका गम करने के बजाय जो चीजें आप लोगों के पास हैं उसका शुक्र अदा करें। लाजमी नहीं है कि किसी को अल्लाह ने बहुत अच्छी सूरत दी हो तो उसकी जिंदगी की हर चीज ही हसीन हो जाएगी, और ये भी लाजमी नहीं है कि कोई मामूली सी शक्ल सूरत का इंसान होगा और वो जो है तरक्की नहीं कर सकता। और इसके अलावा भी हमने बहुत सारी कैटेगरीज में दूसरों को डिवाइड किया है, स्पेशली गर्ल्स को मैं ये कहना चाहती हूँ कि प्लीज एक दूसरे से हसद करना और कंपेरिजन करना बंद कर दें। अगला इंसान जो है उसकी अपनी जिंदगी के मसले हैं, आप जो हैं आपके अपनी जिंदगी के मसले हैं, कोई भी इंसान इस दुनिया में मसलों से पाक नहीं है, मसलों से पाक जिंदगी होती ही नहीं है। इस जिंदगी में ऊंच नीच सबके साथ होनी है, सबकी जिंदगी में मसले हैं। कुछ लोग अपने मसलों को बहुत अच्छे तरीके से कवर करते हैं और फिर अल्लाह की जात भी उन मसलों पर पर्दा डाल देती है, उनका कोई अल्टरनेटिव क्रिएट कर देती है। अगर आप मुसलसल शिकायत करते रहेंगे, आपको लोगों से शिकायत है, आपको घर वालों से शिकायत है, आपको दोस्तों से शिकायत है, आपको अल्लाह ताला से शिकायत है, यकीन करेंगे शिकायतों से भरी जिंदगी रह जाएगी। लिहाजा इस वीडियो के थ्रू मैं ये कहना चाहती हूँ कि दूसरों से जेलिस होना बंद कर दें, अपना कंपैरिजन किसी से भी मत करें, अपना कंपैरिजन सिर्फ खुद से किया करें कि कल मैं क्या थी और आज मैंने उसमें कितनी इम्प्रूवमेंट लाई है। अलावा अल्लाह ताला का हमेशा शुक्र किया करें, आप नहीं जानते कि अल्लाह ताला ने आपको कितनी मुश्किलों से बचाया हुआ है। और अगर हम वाकई सच्चे दिल से अपना एहतसाब करें तो यकीन करें कि जो चीजें हमारे पास हैं हम उनके भी हकदार नहीं हैं, ये सिर्फ हमारे अल्लाह ताला का फजल है, अल्लाह ताला का करम है कि आज हम इस तरह की जिंदगी गुजार रहे हैं। मुझे अपनी दुआ में जरूर याद रखा करें। मैं कोशिश करती हूँ कि हर हफ्ते में
3-4 वीडियोस अपलोड करूं, लेकिन कुछ मसरूफियात की वजह से टाइम कम मिलता है। इंशाल्लाह नेक्स्ट वीडियो में मिलूंगी आप लोगों को और हम फिर किसी और टॉपिक पर बात करेंगे। मुझे दीजिए इजाज़त, अपना बहुत सा ख्याल रखिएगा, अल्लाह हाफिज़।